साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टीम में एक ओडीआई में 5 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं युजवेंद्र चहल। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी करने के लिए बेताब होगी। विराट कोहली की अगुवाई में भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी धरती पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है और उसका पहला मैच धर्मशाला में बुधवार को खेला जाएगा। इस मैच पर भारतीय बल्लेबाजों के अलावा भारतीय गेंदबाजों पर भी नज़र टिकी रहेगी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़्यादा प्रभावित साबित नहीं हुए थे। इनमें से एक गेंदबाज युजवेंद्र सिंह चहल भी है, जो मौजूदा भारतीय टीम में मेहमान टीम के खिलाफ एक वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज है। चहल इस वक्त की टीम के एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेने का कमाल किया था। हालांकि चहल से पहले ये कमाल भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता सुनील जोशी कर चुके थे। चहल की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर सेंचुरियन में गजब की गेंदबाजी की थी। उन्होंने 8.2 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उस मैच में भारत ने प्रोटियाज को 32.2 ओवर में 118 रन पर ऑल आउट कर दिया था और भारत ने इस मुकाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। सुनील जोशी की बात करें तो उन्होंने साल 1999 में नेरोविक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 6 रन देकर 5 विकेट लिए थे और 6 ओवर मेडल फेंका था। यानी इस वक्त चहल इस टीम के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज है। इस टीम के खिलाफ चहल के अब तक के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो उन्होंने 7 वनडे मैचों में कुल 20 विकेट लिए हैं। यानी प्रोटियाज के खिलाफ मौजूदा टीम में वनडे में चहल सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है। चहल का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक तो अच्छा रहा है और उनके पास एक बार फिर से बेहतरीन मौका भी है कि वो अपने स्पिन से मेहमान टीम के बल्लेबाजों को परेशान करें। फ्रेंड्स, आपका युजवेंद्र चहल के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।